आदरणीय सचिन जी त्यांना विनंती करतो त्यांनी या ठिकाणी संबोधित करावं मंचा समोर. परमपूज्य श्रद्धेय स्वामीजी महाराज, मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री आदरणीय नामदार सुभाष बापू देशमुख जी, केंद्रीय प्रभारी सुमन दीदी, महाराष्ट्र के प्रभारी जिनके सहयोग से हमें शिविर मिला वो बापूजी पड़ाकर और हमारी बहन सुदाताई अलीमुरी जी, मंच पर विराजमान दत्तानाथ तानवडे जी, श्रीजी पाटिल जी, महेश जी हिंडोले, आनंद जी तानवडे साहेब और विशेष सहयोग जिनको इस शिविर मिलने में थे वो हमारे पुणे के गाटी जी, यहाँ मंच के सामने उपस्थित सभी मान्यवर माता बंधु भगिनी एवं पत्रकार बंधु, मैं स्वामी जी को एक बात बताना चाहूँगा. ये वलसंग की भूमि जो है, वलसंग की सरपंच दुधगी का को भी मंच पर विराजमान है. वलसंग की ये जो भूमि है ये एक पावन भूमि है. इस भूमि पर महात्मा गांधी जी एक दिन वास्तव्य था. इस भूमि पर भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब जी अम्बेडकर एक कुआं खुदवाया है. इसी भूमि का एक महान सुपूत देश के लिए फांसी पर लटका था, वो मल्लप्पा धनशेट्टी जी, वो भी वलसंग गांव के थे. आज आप आ गए इस गांव को तो इतिहास के पन्नों में आज ये स्वामी जी यहाँ पर आ गए ये सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. इस गांव की महानता आप आने से और अभी बढ़ गई है. इस सम्मेलन में स्वामी जी योग दीक्षा समारंभ रहेगा, किसानों को संबोधित करेंगे. मैं स्वामी जी को एक बात बताना चाहूँगा, हमारा जो जिला है ये गन्ने का शुगर केन का यहाँ ज़्यादा पीक है. तो 165 लाख टन गाड़प लास्ट ईयर यहाँ पे क्रशिंग हुआ है, इतना गन्ना इस जिले में है. तो मेरी स्वामी जी से विनती है कि गन्ने के लिए गन्ने का कोई जूस आपने नागपुर में किया है, नागपुर के संतरे के लिए वहाँ पे यूनिट खड़ा किया है, वैसा ही एक यूनिट गन्ने का जूस निकालने के लिए कोई तंत्र ऐसा आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निकाले जो गन्ने का जूस महीना दो महीना उसका एक्सपायरी अच्छी तरह से रहे, पूरे देश को गन्ने का जूस दे सके, इतना गन्ना इस सोलापुर जिले में है. आपको विनती है इस किसानों के लिए कोई फैक्ट्री कोई यूनिट अगर हमारे तालुके में इस लाते हैं तो बहुत बड़ा सहयोग होगा. हमारे मंत्री जो सहकार पणन मार्केटिंग के हैं वो किसानों के नेता हैं तो वो भी निश्चित इस कार्य में सहयोग करेंगे. और मैं आपको फिर एक बार विनती करता हूँ, यहाँ पर आए हैं तो हमारे किसानों के बारे में भी दो शब्द कुछ मार्गदर्शन कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो सहयोग कीजिए. इतना विनती करके मैं मेरा दोनों शब्द यहाँ समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. जय हिंद. सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. रोज़
जैसे तीन बार ओंकार का जप करना, गायत्री का जप करके फिर योग साधना भी करना। देखो, भारत की मूल संस्कृति के दो तत्व हैं, एक ऋषि और दूसरा कृषि। ऋषि और कृषि का देश है ये भारत। और मैं कृषि करते करते इस ऋषि कार्य में आया। मैं एक सन्यासी हूं, लेकिन सन्यासी होने से पहले एक कृषक पुत्र हूं। किसान के घर में पैदा हुआ, शेतकारी के घर में पैदा हुआ और खेती मैंने की है। अब खेती के बारे में भी आपसे बताऊंगा, कृषि और ऋषि संस्कृति के बारे में आपसे बात करूंगा। आज हमारे सब शेतकारी भाई बहनें माताएं सभी, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी आए, और ऐसे भी ये बलसंग गांव बात ऐतिहासिक है। पूज्य बाबा साहब अंबेडकर साहब, पूज्य महात्मा गांधी बापू जी, जो स्वदेशी के, स्वाधीनता के और भारतीय संस्कृति सदाचार के, अहिंसा के सबसे बड़े देवता हैं, ऐसे महापुरुषों के इस धरती पर चरण पड़े हैं। पहले तो मैं इस धरती को ही प्रणाम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। और आज का ये आयोजन, इतनी गर्मी थी लेकिन भगवान ने आसमान में भी छाता तान दिया, बादल मेघ कर दिए, तो एक बार भगवान का भी शुक्रिया, नहीं तो बहुत गर्मी में ये मुश्किल हो जाता। इधर तो ये पंडाल लगा दिया था, लेकिन आपको धूप में नहीं बैठना पड़े तो हमने भगवान के यहाँ हमने लव लेटर भेजा, और भगवान जी ने हमारा वो प्रेम पत्र स्वीकार कर लिया, और आज इतना सुंदर वातावरण यहाँ पर है, उसके लिए भी प्रभु को बहुत बहुत शुक्रिया। ये सचिन कल्याण शेट्टी एक छोटा सा लड़का है, लेकिन बहुत अच्छा बेटा है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये सचिन कल्याण सेठी के संकल्प से हम आपके इस बलसंग में आए हैं, इसका पूरा श्रेय इस लड़के को है। और इसने अपने गांव में प्रोग्राम नहीं करवाया, इसका गांव भी इधर से 10-15 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसने अक्कलकोट से अपने गांव में लेकर के नहीं गया, अक्कलकोट से आपके बड़संग में लेके आया। इसका मतलब यहां से इसको ज्यादा प्रीति है। और इस पूरे आयोजन के मूल में हमारे सुभाष जी देशमुख, जो हमारे पतंजलि के भी हमारे बहुत हितचिंतक, हमारे कॉरपोरेट मेंबर हैं, पतंजलि के इस यज्ञ में उनकी बहुत बड़ी आहुति है, तो मैं सुभाष देशमुख जी का भी एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत श्रद्धा, भक्ति, विनम्रता उनमें, उनकी पत्नी में, उनकी संतानों में, तीन पीढ़ियों के अंदर तो मैंने देखा है। ये पूरा आयोजन, यद्यपि हमारे पांच संगठन है, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान युवा भारत, पतंजलि किसान सेवा समिति, लेकिन ये बड़संग का, अक्कलकोट का, और कल नव वर्ष पर लगभग 50,000 से 1,00,000 बहनें आने वाली हैं। ये महिला पतंजलि योग समिति की बहनों का इसमें बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, एक बार उन सबको बहुत बहुत अभिनंदन। कल सोलापुर में हिमा मालिनी जी को भी, वो डेली योग करती है, पिछले 11 सालों से मेरे साथ जुड़ी है। उन धर्मेंद्र जी भी योग करते हैं, उनका पूरा परिवार करता है, और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी के जो धर्मपत्नी अमृता जी, वो भी डेली योग करती है, तो कल वो आकर के हमारे साथ कपाल भाति अनुलोम विलोम करने वाले हैं, तो कल भी बहुत सुंदर आयोजन है। आज के आयोजन को अब मैं क्रमशः आपके बीच रखता हूँ। सबसे पहले कृषि के बारे में तीन बात कहना है मुझे। एक, सेंद्रीय खेती करो। मैं 1,000 एकड़ जमीन पर सेंद्रीय खेती करता हूं, मैं किसान भी हूं,
लोग मुझे कहते हैं बाबा जी आप क्या हो, मैंने कहा मैं योग करता हूँ तो योगी हूँ, जब उद्योग करता हूँ तो उद्योगी हूँ, उद्योजक हूँ, क्या दिक्कत है। अरे योगी भी होना चाहिए उद्योजक भी होना चाहिए, जब खेती करता हूँ तो शेतकारी हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, मैं चांसलर हूँ यूनिवर्सिटी का, तो मैं कुल पिता भी हूँ, कुल गुरु भी हूँ, योग गुरु भी हूँ, मैं आचार्य भी हूँ और सबसे पहले मैं इस देश का नागरिक हूँ, इस देश का सिटीजन हूँ और इस देश के लिए जो हो सकता है आज तक किया है और अंतिम श्वास तक करूँगा और 2050 तक इस भारत माता को हम परम वैभवशाली दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के रूप में देखें, ये सपना है हमारा, इसके लिए हम काम करते हैं। तो किसान के लिए तीन बात, एक सेंद्रीय खेती, गोबर गोमूत्र, ऐसे तो पशुधन सभी अच्छा है लेकिन उसमें गाय सबसे अच्छी होती है, गाय के मूत्र में, गोबर में, गाय के घी में, गाय के दूध में दैवी शक्ति होती है। देखो हमने गोमूत्र का अर्क बनाया, जो भी ओबेसिटी है जिनको मोटापा है वो रोज 50 ml गोमूत्र सुबह पी ले तो उसका फैट खत्म हो जाता है। देखो पेट ऐसा फ्लैट होना चाहिए, किसी का भी पेट ऐसा मोटा नहीं होना चाहिए, कुछ कुछ यहाँ भी मोटे मोटे पेट वाले बैठे हैं। गौमूत्र औषध है, ये औषध है और किसी मजहब में इसका कोई विरोध नहीं है, कैंसर दूर होता है इससे, लीवर किडनी की प्रॉब्लम दूर होती है इससे, ओबेसिटी कब्ज पूरा खत्म हो जाता है, टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंस दूर हो जाते हैं, स्किन अच्छी हो जाती है इससे और डायबिटीज में फायदा करता है। अभी तो इसके एक्टिव कंपोनेंट्स हम अलग अलग भी कर रहे हैं, हमने गोमूत्र में से सोना निकाला, गोमूत्र में गोल्ड होता है, यह हमने पूरा रिसर्च करके बोल रहे हैं, खाली किताब से पढ़ के नहीं बोलते। तो गोमूत्र औषधि है, लोग बोलते गाय का रक्षा कैसे होगा, हम 7 रुपए से लेकर के 10 रुपए लीटर गोमूत्र खरीदते हैं और अभी हम 1,00,000 गायों की रक्षा करते हैं, 1,00,000 गायों की हमने गोमूत्र का गोमूत्र अर्क बनाया। एक घर में फिनाइल आप यूज करते हैं उसकी जगह हमने गोनाइल बनाया, उससे घर पवित्र हो जाता है और सारे बैक्टीरिया सारे वायरस सब खत्म हो जाते हैं। घर में क्यों लगाते हो आप फिनाइल, गोनाइल लगाओ, गोमाता भी बचेगी और तुमको रोग नहीं होगा, तुम भी बचोगे, ये धरती माता भी बचेगी। तो आज एक संकल्प लेकर के जाओ कि अपने घर में गोनाइल इस्तेमाल करेंगे, फिनाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे, छोटी सी बात है, छोटे छोटे व्रतों से देश आगे बढ़ेगा। दूसरी बात, ये मैं तो कहता हूं कोई विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करना ही नहीं चाहिए। अभी पिछले दिनों महाराष्ट्र में कितने किसान मर गए एक ही दिन में, इतना खतरनाक जहर ये लोग देते हैं, छिड़काव करते करते ही कितने लोग एक दिन हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, मर गए थे पिछले दिनों, दो महीने पहले 40 से ज्यादा किसान, वो हवा में ऐसे दवाई छिड़कते हैं, ये जो दवाई छिड़कते हो तुम 10% ये खेती को जाता है, 90% एयर वाटर और वेस्ट हो जाता है, 90% वेस्ट होता है और सबसे ज्यादा अपने शरीर में जाता है। 40 किसान तो एक ही बार में मर गए और ये मॉन्सेंटो से लेकर के तमाम विदेशी कंपनियां हर जगह, खेती में मॉन्सेंटो, घर में लाक्स, लाइबॉय, डॉ, फेयर एंड लवली, कोका कोला, पेप्सी, क्यों भाई, कोलगेट, ये हमारे क्यों यूज करना। मैं आपसे एक प्रश्न बोलता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए, जोर से बोलो, देश में, सबको बोल पता है, इसमें कोई पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। और ये विदेशी कंपनियां पैसा कहां लेके जाती है, विदेश में, इसलिए हमने ये जो डॉ, क्लिनिक प्लस, हेड एंड शोल्डर, सनसिल्क विदेशी शैंपू का विकल्प दिया, केश कांति शैंपू, केश कांति वाली, कोलगेट का विकल्प दिया हमने, दंत कांति,
साबुन शैंपू टूथपेस्ट सब कुछ हमने कहा, विदेशी क्यों खरीदते हो, देशी लो। और कुछ चीजें तो यूज ही मत करो, जैसे मैंने कहा घर में कभी भी फिनाइल यूज नहीं करना, गोनाइल यूज करना, ये उससे सस्ता और उससे हजार गुना अच्छा है, ये यूज करो। हमने 1 लाख गाय बचाई। अभी भाई अंगूर लेकर के आया था अंगूर वाला, और ये बोल रहा है देखो ये 11 साल से अंगूर का खेती कर रहा है। अब इस अंगूर को तो हम बिना धोए भी खा सकते हैं, इसको तो आप ऐसे खा सकते हो, हमको भूख भी लगा है। आपको योग सिखाना था तो हम खा के नहीं आए थे, बाद में खाएंगे। तो आप इसको ऐसे खा सकते हो, दूसरे अंगूर को नहीं खा सकते। उसको तो केमिकल में पूरा गुच्छा केमिकल में डालते हैं, फिर निकालते ऐसे डुबोते पूरा का पूरा, उसको पूरा देसी जहर खाता है। उसको जो ऐसे खाएगा वो भी ऊपर जाएगा, ऐसे नहीं खा सकते। किसको, केमिकल वाले को। क्यों डालना भाई, देखो आपको ऐसा लगता है केमिकल नहीं डालेंगे तो कीड़ा लग जाएगा, इसमें कहाँ कीड़ा लगा हुआ है, ये तो चलो छोटे वाला है। कल एक जंबो अमरूद वो अंगूर लेके आया था, इतना मोटा मोटा अंगूर, वो हमको देने के लिए प्रसाद लेके आया था, हमारे पड़ोसियों ने खा पी करके बराबर कर दिया। अच्छी बात है, बाबा जी को आता है, बाबा कम खाता है तो बाबा के चेलों को माल खाने को बहुत मिलता है, नहीं तो कुछ बाबा ही पूरा खा जाते हैं, चेले देखते ही रह जाते हैं। हम खाते नहीं तो हमारे चेलों को खूब माल मिलता है। तो सुनो, वो कितना अच्छा खेती करो आप। हम लोग शिरडी करते हैं, हम लोग धान करते हैं, ये राइस गेहूं करते हैं, 55 प्रकार का तो 60 प्रकार का तो हमने गेहूं किया, गेहूं वीट राइस वेजिटेबल सारे फ्रूट्स सब हम सेंद्रिय करते हैं। और 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए हम एक एकड़ जमीन से लेते हैं, सेंद्रिय खेती करो। गल हमारे दिमाग में एक वायरस डाल दिया कि केमिकल के बिना अच्छी खेती नहीं होगी, ये सब षड्यंत्र है एमएनसीज का। अरे धरती को बने 200 करोड़ साल हो गए, 1,96,00,000, 8,53,118 वर्ष हो गए भाई, ये धरती अच्छी है, इसको जहर मत डालो। दूसरी बात, सेंद्रीय खेती का जो प्रयोग कर सकते हो, अभी तो थोड़े बहुत लोग अभी भी जानते हैं, उसको करो। दूसरी चीज, गोपालन करो, पशुपालन करो, गो और पशुपालन, इससे आपकी आमदनी बढ़ेगी। खाली सरकारी योजनाओं से नहीं, ठीक है सरकार की योजनाएं अच्छी बननी चाहिए और वो भी सरकारियां बना रही हैं। अगली बात, गोपालन पशुपालन के साथ इसमें अपने खेतों के अंदर आप जड़ी बूटियां लगाओ। अभी हमने 800 टन का प्लांट यहां नागपुर में लगाया है संतरे का, 600 टन का लगाया हमने आंवले का, एलोवेरा का। अब ये एलोवेरा है, कोरफड़ बोलते हैं इसको। अब ये कोरफड़ जिस जमीन में कुछ नहीं होता, बंजर जमीन में लगा दो, बरसात के समय लगा देना, साल भर में हो जाएगा। एक एक पत्ता इसका 1 किलो से लेकर 1.5 किलो का होता है इसका, कोरफड़ का। ये कोरफड़ इतना जबरदस्त है, अर्थराइटिस की दवाई है ये, अर्थराइटिस 100% क्योर हो जाता है इससे। इनफर्टिलिटी, वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, चेहरे के ऊपर ग्लो आ जाता है इसको लगाने से। इसका एलोवेरा का जेल हम लोग बनाते हैं और उसको चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरा ऐसे चमकने लगता है जैसे तुम माँ की कोख से पैदा हुए हो, एकदम तुम्हारा बचपन जैसा खूबसूरत चेहरा, नेचुरल ब्यूटी मिलती है, नेचुरल ग्लो शाइनिंग मिलता है इससे, पिंपल्स रिंकल्स पूरे खत्म हो जाते हैं इससे। और इसके द्वारा मॉइस्चराइजिंग होता है, मॉइस्चराइजिंग के लिए आपको कोई केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, ये इतना अच्छी चीज है, अपने चेहरे पर लगाओ, जूस पी जाओ। ये सब हम इससे बनाते हैं, ये पहले विदेशी कंपनियां बेचती थी,
हमने करीब एलोवेरा के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपए किसानों को दिया है और आगे और देंगे। 1,000 करोड़ रुपए किसका? एलोवेरा। अब बताओ ये जो फेयर एंड लवली वाले केमिकल बनाने वाले हैं, इससे किसान को क्या फायदा, देश को क्या फायदा, तुमको भी कोई फायदा नहीं। इसका ऐसा दो बूंद ऐसे लिया और इसको माथे पर लगाओ, इसको चेहरे पर लगाओ, कहीं पर भी लगाओ, और इससे इतनी अच्छी फेशियल हो जाता है। आजकल ये माताएं बहनें फेशियल कराने के लिए 3-3, 5-5 हज़ार रुपये खर्च करती हैं। तुम्हारे दिमाग खराब हो गए है? अपने घर का दिवालिया निकालने में लगी हुई हो। ये एलोवेरा लगाया करो, रात को लगाओ, रात को लगा के सो जाओ, सुबह वाश कर लो, हो गया फेशियल। इतना अच्छा ग्लो आता है, शाइनिंग आती है। मैं यही लगाता हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मेरे को पैदा किया, वैसा का वैसा ही हूँ और 100 साल तक ऐसा ही रहने वाला हूँ। 50 साल भारत माता की सेवा किए, 50 साल और करने वाला हूँ, और भारत माता को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने वाला। अरे अपने ताकत है अपने अंदर, अपने देश में, अपने धर्म में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में। तो मैं बात कर रहा था एलोवेरा की, कोरफड़ की खेती करो, आंवला की खेती करो, आंवला एलोवेरा हम खरीदेंगे, आप जितना बोएंगे हम पूरे देश को पिलाएंगे, पूरे देश को खिलाएंगे। पूरा देश बीमार हो रहा है सब केमिकल जहर खा खा करके। हमने लोगों को अच्छी आदतें डाली, एलोवेरा पियो, आंवला पियो, फ्रूट जूस पियो, हे सब कोका कोला पेप्सी, उसको तो हमने नाम दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर, वो टॉयलेट साफ करने वाला है। कभी संडास बहुत गंदा हो ना तो कोका कोला पेप्सी का 2 ढक्कन डालना, पूरा संडास साफ हो जाएगा। छोटे बच्चे के दांत टूट जाते हैं ना, छोटा बच्चा का दांत टूट जाते हैं, एक बार दूध के दांत टूटते हैं, उसको आप कोका कोला पेप्सी में डाल के देखना, 3 से 5 दिन के अंदर वो दांत पूरा खलास हो जाएगा। इतना खतरनाक केमिकल होता है, उससे हड्डियां खत्म हो जाती हैं, ऑस्टियोपेनिया का प्रॉब्लम होता है, विटामिन डी, विटामिन बी12, कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, डायबिटीज जैसी बीमारी होती है, बहुत खतरनाक है। नहीं तो मैं कह रहा था आंवला बो, एलोवेरा बो, एक होता है गिलोय, इसको गुड़वेल बोलते हैं आपके मराठी में, ये पूरा पान जैसा इसमें पत्ता होता है, देखो ये लता है, मैं रोज पीता हूँ इसको, जो इसको पिएगा वो कभी बीमार नहीं होगा। देखो मोदी जी ने इस बार वो मोदी केयर करके एक वो हेल्थ इंश्योरेंस 5 लाख रुपए का दिया है। हम कहेंगे मोदी जी ना तो आपको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े, ना हमको 5 लाख रुपए की जरूरत पड़े, हम तो योग करेंगे, ग्लोय पिएंगे, सदा स्वस्थ रहेंगे। सुनना जरा, आपको मोदी जी का 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे ऐसे लिए मैं सोटोन डिवीज, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज, क्या क्या बीमारी हो रही है, देखो इसका सुनो इसकी महिमा। सब किसान इसको खेत में बो, तुम्हारा आधा पैसा जाता है दवाई में, डॉक्टर के पास, मेडिकल स्टोर में, हॉस्पिटल में। बोलो गांव का आदमी बीमार होता है कि नहीं होता, जोर से तो बोलो। और जो गांव का आदमी बीमार होता है तो पैसा किसके पास जाता है? डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, हॉस्पिटल, और इसमें भी आधी विदेशी कंपनी, आधे से क्या 90% विदेशी कंपनियां दवा के कारोबार में। मैं कहता हूं भाई सुबह उठ के ये 2 प्राणायाम बताएंगे, खाली 2 ही सीख के जाना तो भी कल्याण हो जाएगा, बाकी तो बहुत योग सिखाना है। ये इतनी जबरदस्त चीज है, जो गिलोय पिएगा, इसको गुड़वेल बोलते हैं, इसको ऐसे ही ये डंडे लगा दो और ये पूरा लता हो जाएगा। एक गांव में एक लगा दो, फिर पूरा गांव लगा लो चाहे इससे, एक एक फिट का एक डंडे लगाओ, ये गन्ने की तरह ऐसे ही बो देते हैं, गन्ना तो डाल के बोते, इसको सीधा ऐसे बो दिया और ये लता ऊपर चल जाएगा। इसको बो, ये अभी तक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मैंने किसानों को दिया इससे, और आगे मैं 1,000 करोड़ रुपए का इसका वैल्यू बनाऊंगा, ये आज आपको कह के जा रहा हूं और आपसे ही खरीदूंगा ये गिलोय बो। क्या फायदा इसका सुनो, पूरे वर्ल्ड में प्लेटलेट कम होने की कोई दवाई नहीं है। डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट घट जाता, आदमी मर जाता है। ये लेडीज को ऐसे हाथ में ऐसे थोड़ा कोई चुटकी भर ले ना तो नीला काला पड़ जाता है, जैसे मैंने भरा, जोर से भरा है तो देखो मेरा थोड़ा सा लाल होगा, नीला नहीं पड़ेगा। क्यों? मेरा प्लेटलेट एकदम 3 से 4 लाख के बीच में, मेरा हीमोग्लोबिन 17-18 रहता है, 17.5 लास्ट 25 ईयर से, और मैं साल में 1 से 2 बार ब्लड डोनेट करता हूँ।
एक से दो बार ब्लड डोनेट करता हूँ, प्राणायाम करता हूँ, आंवला एलोवेरा और ये गिलोय पीता हूँ। मुझे कभी कभी बुखार नहीं होता। ये सुमन बहन जी मुझे 25 साल से जानती है, ये बच्चे बैठे हैं सब ये मुझे 12 साल से जानते हैं, ये हरी भी कितने साल हो गया, 14 साल से ये हरी रहता है मेरे साथ में, इधर जो बैठा हुआ है संगीत की सेवा करता है, 14 साल से एक बार भी मुझे बुखार देखा? इसको कभी कभी हो जाता होगा, अब इसको भी मैंने बोला तू भी पिया कर, मुझे एक बार भी फीवर नहीं 25 ईयर से नो फीवर, नो कफ, नो कोल्ड, नो उदरस, सर्दी उदरस क्यों भाई, ताव फीवर नहीं। और इससे सर्दी उदरस ताव फीवर तो होगा ही नहीं, कोई आपको फूड पॉइजनिंग नहीं होगा।